हेलो दिस इज इंदरजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो गाइस 3, एक ऑलमोस्ट परफेक्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसने इंडियन जगत को, या मैं कहूँगा कि इंडियन ऑडियंस को, एक नया जॉनर और नई होप दी कि हॉरर कॉमेडी में भी विद ए लिस्ट स्टार कास्ट बहुत कुछ किया जा सकता है। एंड दिनेश विजन जो प्रोड्यूसर थे 3 फिल्म के, मैड डॉग फिल्म्स उन्हीं का प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने तो एक नया यूनिवर्स स्टार्ट कर दिया जिसके अंदर वो हॉरर कॉमेडीज लेके आते ही रहेंगे। एंड नेक्स्ट इन द लिस्ट इज रूही, जिसका नाम पहले रूही अफजाना था, अब कल ही अनाउंस हुआ था कि उसका ट्रेलर आज आना है एंड द न्यू टाइटल इज रूही। रूही इज प्लेड बाय जानवी कपूर एंड इसका ट्रेलर आ चुका है। दोस्तों रूही इज स्टारिंग राजकुमार राव, जानवी कपूर एज रूही एंड अफजाना भी, क्योंकि अफजाना एक वो विच है जो उनके अंदर आ जाती है, एंड वरुण शर्मा। सो ये मेन स्टार कास्ट है। रूही का ट्रेलर मतलब स्कैरियर देन 3, आई वुड से बहुत ज़्यादा स्कैरियर है, क्योंकि 3 के अंदर हमें दिखाई नहीं गई थी कि 3 दिखती कैसे है ट्रेलर के अंदर। फिल्म के अंदर भी काफ़ी हद तक, आधी फिल्म निकल जाने के बाद हमें पता लगा था कि 3 कैसी दिखती है, बट यहाँ पर तो जो रूही अफजाना एक्चुअली वो रूह, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो जलवे कैसे हैं उसके, वो क्या कुछ कर सकती है और किस तरह की वो दिखती है, ये सब हमें ट्रेलर में ही दिखा दिया गया। सो पिक्चर कैसी होगी, ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। कॉमिक पार्ट मुझे अभी तक ठीक ठाक लगा इसका, बट अगर मैं बात करूं हॉरर पार्ट की, सो वो आप सबको हिला देने वाला है। 11 मार्च को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है थिएटर्स के अंदर। सो ट्रेलर से जो स्टोरी का आइडिया मुझे लगा वो ये है कि राजकुमार राव जो तोतले का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो टक और ट बोलते हैं, मुझे नहीं पता वो किस ट को ट कह रहे हैं और किसे वो ट बोलते हैं, कि राजकुमार राव जो तोतला है और वरुण शर्मा ये दोनों दोस्त हैं और ये रूही को यानी कि जानवी कपूर को किडनैप कर लेते हैं। अब ये किडनैप करके उसे एक अलग सी जगह पर रख देते हैं, कहीं मतलब खंडरात में रख देते हैं। अब उसके अंदर एक आत्मा आ जाती है अफजाना की, यानी कि जो विच है उसकी आत्मा आ जाती है। फिर वहाँ पर क्या क्या खेल होते हैं ये सब आपको ट्रेलर में देखने को मिलेगा। बट ये अफजाना है कौन, इसकी क्या हिस्ट्री है, लेकिन लाइक 3 फिल्म यहाँ पर भी कुछ शादी वाला एंगल है कि अब रूही के अंदर से अफजाना की आत्मा निकालने के लिए रूही की शादी करवानी पड़ेगी। तभी यहाँ पर 2 दूल्हे हैं, एक जो अफसाना से शादी करेगा, एक जो रूही से शादी करेगा। अगर आपने आज सुबह वाला पोस्टर देखा होगा तो वहाँ पर वरुण शर्मा एंड राजकुमार राव दोनों ही दूल्हा बने हुए हैं। तो ये सारा है स्टोरी का सार, लेकिन ये अफजाना है कौन, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, 3 जैसी ही कुछ हिस्ट्री इसकी लग रही है अभी तक तो देखने में, तो क्या रहेगा ये। रूही 11 मार्च को थिएटर्स में आएगी, तभी ये सारे राज जो भी हैं इनसे पर्दा उठने वाला है दोस्तों। बट ट्रेलर इज सिंपली अमेजिंग ट्रेलर, और सबसे बड़ी बात जो इस ट्रेलर की टैगलाइन भी थी, जो मतलब जहाँ से ट्रेलर स्टार्ट होता है, द मैजिक ऑफ सिनेमा रिटर्न्स, मतलब दोबारा से एक सिनेमा स्टार्ट हो चुके हैं आफ्टर पेंडेमिक और आफ्टर लॉकडाउन। ये मेरे ख्याल से बॉलीवुड की सबसे पहली सबसे बड़ी फिल्म है जो रिलीज होने वाली है। मास्टर आई थी, लेकिन वो साउथ की फिल्म थी जिसने धमाकेदार एंट्री मारी और धमाकेदार कमाई भी की बॉक्स ऑफिस के ऊपर, बट बॉलीवुड की ये पहली फिल्म होने वाली है जो लिस्ट ए लिस्ट कैटेगरी के साथ, ए लिस्ट स्टार कास्ट के साथ रिलीज होगी। तो देखना होगा कि हम किस तरह से इसका वेलकम करते हैं। मैं भी सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि अब तो 100% ऑक्यूपेंसी अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम सबको जाकर ये फिल्म देखनी जरूर चाहिए। जो भी हॉरर कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं, जो उनको डर लगता है, वो ऑब्वियसली नहीं जाएंगे। सो फ्रेंड्स 11 मार्च को डेफिनेटली मैं रूही फिल्म देखूंगा थिएटर के अंदर, उसको रिव्यू भी करूंगा। सो अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डू वॉच इट गाइज, अमेजिंग ट्रेलर है। द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय हार्दिक मेहता, जिन्होंने अभी हाल ही में रेड चिलीज प्रोडक्शन के लिए कामयाब, जिसमें संजय मिश्रा जी लीड स्टार थे, लीड रोल में थे, वो बहुत अलग और क्रिटिकली बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी कामयाब। तो हार्दिक मेहता जी से मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि 3 को जो डायरेक्ट किया था दैट वॉज अमर कौशिक, जो मतलब अब तो मैं नाम भी बहुत बड़े डायरेक्टर हो चुके हैं, वो उनकी डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। सो गाइज यही था फिलहाल रूही का ट्रेलर रिएक्शन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर लाइक माई वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल द लास्ट रिव्यू। सो मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।